हेलो, वेरी गुड इवनिंग। तो अगली वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कश्मीरी विलो बैट हर मंथ यूज़ करते हैं, या जो भी जब भी उनको लगे कि नया बैट लेना चाहिए तो कश्मीरी विलो बैट यूज़र्स कुल मिला के बहुत बढ़ गए हैं हमारे इंडिया में भी, बाहर भी। और वो पूछते हैं कि यार कैसा बैट लें, कैसी उसकी लकड़ी कैसी होनी चाहिए, लकड़ी का टेक्सचर क्या होना चाहिए, उसमें क्या हो, मतलब ग्रेन्स कैसे हों। ऐसे तो कश्मीरी विलो जो बिल्कुल टॉप ग्रेड होता है, जिसको हम प्लेयर एडिशन बैट बोलते हैं, उसमें तो ग्रेन्स दिख जाते हैं आपको कई कई बैटों में। बट जो जो नॉर्मल ग्रेड में रहता है, कैजुअल ग्रेड में रहता है, फर्स्ट ग्रेड में, उसमें आपको इतना इतने ज़्यादा वो नहीं मिलते ग्रेन्स। उसकी वुड की आपको शेड देखने को मिलती है, जो कि दो तरह की रहती है, एक थोड़ी सी ब्राउनिश सी और या दूसरी थोड़ी सी वाइटिश सी। और कुछ कुछ थोड़ी कम ब्राउनिश होती हैं, वाइटिश ज़्यादा होती हैं, और कुछ वाइटिश कम होती हैं, ब्राउनिश ज़्यादा होती हैं, मतलब कुछ ऐसे ऐसे उसका टेक्सचर सा रहता है। तो आज मैं कन्फ्यूजन दूर करूंगा कि दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा आपके लिए बेटर है इनफैक्ट। तो पहले तो दोनों बैट्स आपको दिखाऊं मैं कि उनका टेक्सचर कैसा होता है और आपको कौन सा ख़रीदना चाहिए उनमें से, उस पर बात करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे दोनों एक ही मॉडल के बैट हैं, एक ही प्राइस के बैट हैं। रेगुलर प्रोफाइल में देख सकते हैं, रेगुलर प्रोफाइल के बैट्स हैं ये। राइट हैंड वाला ये बिल्कुल वाइटिश है, आप देख सकते हैं, ज़्यादातर वाइटिश है, बहुत कम ब्राउनिश है। और लेफ़्ट वाला आप देख सकते हैं कि ब्राउनिश ज़्यादा है और वाइटिश कम है। हैं ये दोनों सेम, आई मीन सेम से मेरा अभिप्राय है कि मॉडल दोनों का सेम है, बट इनका जो जो लुक है वो चेंज है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि साउथ इंडियन जो बंदा होता है उसका, वो भी इंसान है, नॉर्थ इंडियन भी इंसान है, बट देखने में दोनों डिफरेंट होते हैं। इट वॉज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ऐसे ही ये दोनों अलग अलग तो नहीं हैं, बट दिखने में अलग हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, ये जो वाइटिश वुड होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि पेड़ उतना पका नहीं था या उतना पुराना नहीं था। और जितनी वुड ब्राउनिश होती है, इसका मतलब ये था कि दैट ट्री फ्रॉम विच द बैट हैज़ बीन मेड, फ्रॉम विच द वुड हैज़ बीन टेकन टू मेक द बैट, वो थोड़ा सा पुराना था, थोड़ा सा उसको काफ़ी टाइम हो गया था, यानी कि वो पूरा पक चुका था, उसके बाद इसको हमने बनाया है। तो देखिए, मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे तो ये वाली वुड पसंद है जो कि ब्राउनिश होती है। इसमें एक चीज़ और समझाने वाली है कि हम ये बिल्कुल नेचुरल है, इस पर कोई पॉलिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मार्केट में ऐसे बहुत बैट बेचने वाले बैठे हैं जो कि इसके पे ब्राउन कलर की पॉलिश करके बेचते हैं, और लोगों को कहते हैं कि ये नेचुरल है, बट वो नेचुरल नहीं होता। वो वाइटिश को या फिर पॉपुलर विलो को भी ब्राउनिश सी पॉलिश करके बेच देते हैं, ये कह के कि ये नेचुरल है, बट वो नेचुरल नहीं है। हमसे आप जो भी बैट लोगे, दैट विल बी एब्सोल्युटली नेचुरल, एंड जो उसकी स्पेसिफिकेशन होगी, जो आपको बोलेंगे, हम वही डिलीवर करते हैं। हमारे यूज़र्स को पता है जो हमसे बैट लेते आ रहे हैं। सो पर्सनली मैं तो प्रेफर करूँगा कि ब्राउनिश वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, टूटने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, मॉलिक्यूल्स थोड़े से इसके स्ट्रांग होते हैं, थोड़े से कॉम्पैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट। बट चक्कर ये भी है कि जो वाइट होता है वो थोड़ा सा लाइट वेट होता है, थोड़ा सा उसका वेट कम होता है, क्योंकि वो पका कम होता है। बट ब्राउनिश तो है, वो इन सम केसेस थोड़ा सा ज़्यादा हैवी रहता है, क्योंकि थोड़ा सा पुराना होता है, एंड पुराने होने के कारण थोड़ा सा हैवी भी होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे, इट डिपेंड्स ऑन द मेकर, इट डिपेंड्स ऑन द कारीगर, उसके हाथ की सफाई पे डिपेंड करता है कि वो बैलेंस कैसे रखता है। हमारा जो मेन फोकस होता है वो वेट की बजाय बैलेंस पे होता है। आप सबको पता होगा कि हम बैलेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि वेट पे। और ये बिल्कुल शानदार ब्राउनिश वुड में बैट है, यानी कि ये ओल्ड वुड से बना है, ओल्ड पेड़ से बना है, ठीक है। और बैलेंस इसका खूबसूरत बैलेंस है। हम मेजर डिफरेंस जो लाते हैं अपने प्रोडक्ट में, वो ट्राई कर रहे हैं कि बैलेंस से, ये उम्दा बैट होते हैं ये, उम्दा। अगर बैलेंस अच्छा हो, वुड अच्छी हो, देन बहुत सेल होते हैं, बहुत
इसका अच्छी मार्केट है एंड सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है कम्पेयर टू दोज वंस। तो बाकी आप अगर आपको नई चीज़ सीखने को मिली हो बैट्स के बारे में तो आई होप मिली ही होगी, लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो कि कन्फ्यूज रहते हैं कि कैसा बैट लें। और मुझे आप जैसा बोलोगे मैं आपको वैसा बैट दे सकता हूँ, जिस प्रोफाइल में बोलोगे उस प्रोफाइल में आपको दे सकता हूँ। आई होप अच्छी लगी होगी। सो आई होप आपने सीखा होगा आज की वीडियो से। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।